भैया अभी कल को चिट्ठी मिली थी वो परसों। जिंदा है उरे? जिंदा है सब, पकड़ सब जाएंगे वहां पे वापस। दिनांक 19/11/18 को एसएसपी साहब ने आदेश दिया था कि चेकिंग लगाई जाए, चूंकि अब बैंक भी खुलने का था, कल बंद था, तो उसमें चेकिंग की जा रही थी। तो इसी में सस्पेक्टेड ये लोडर पकड़ा गया, जिसमें देखा गया कि इसमें बोरों में कोई ऐसी चीज लग रही थी जिसमें वो हिल डुल रही थी। इसको देखा गया कि इसमें कछुए हैं, पूरा निकाल के देखा है तो इसमें 20 बोरों में 745 कछुए थे। फिर हमने DFO साहब से संपर्क किया, वन विभाग की टीम भी आई, तो उनको देखा गया कि ये जो चंबल और यहाँ यमुना और जो लोकल एरिया के पॉन्ड्स हैं उनमें जो ये कछुए मिलते हैं, सुंदरी प्रजाति के हैं, ये 745 कछुए पकड़े गए हैं और इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनमें से एक के खिलाफ पहले भी 2 मुकदमे पंजीकृत हैं जो कछुओं की तस्करी में लिप्त रहा है। इसके बारे में जो और लोगों ने पहले इस पर काम किया है, मैंने उनसे बात किया, एक हमारे बैचमेट हैं जो SP जालौन है, अरविंद चतुर्वेदी जी, वो STF में रहे हैं और काफ़ी वाइल्ड लाइफ में काम किया उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो उन्होंने बताया कि सर ये जो कछुआ है ये सुंदरी प्रजाति का है और ये मांसाहारी होता है, इसका जो सेल है वो सॉफ्ट होता है ऊपर का, और जब इसे उल्टा करके आप देखते हैं जो इसकी स्किन है वो प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत रिच प्रोटीन है जो सारी बॉडी की इसकी सप्लाई करता है। तो ये जो कछुए इनको तस्करी करके ये बांग्लादेश ले जाते हैं, फिर बांग्लादेश के माध्यम से ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में जाते हैं और वहाँ पर इनकी स्किन निकाल करके उसे उबाल करके उसका प्रोटीन बनाते हैं, जहाँ सूप पीने के काम आता है। और आप देखते हैं जिम वगैरह में जो सब लोग ये रिच प्रोटीन सप्लाई और ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ये सब इन्हीं चीज़ों से आती हैं और उसकी जो इंटरनेशनल कीमत होती है वो करीब 5,000 रुपये पर केजी होती है। तो ये उसे इसे कॉलिन के नाम से जानते हैं, क्वालिटी जो जिसको ये निकाल लेते हैं, जो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। ये बिल्कुल इनके खिलाफ हम रोक लगाएंगे और मैं ये बहुत ही मतलब जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके तहत तो मुकदमा हो ही रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2005 में जो भारत सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लागू किया है जिससे इल गॉटन मनी लोग कमाते हैं, तो ये केस अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ED के पास भी हम लोग इसे रेफर कर देंगे और वहाँ पर जितना भी इल गॉटन मनी होता है, जिनकी प्रॉपर्टी होती है, उनकी सारी की सारी सीज हो जाती है और बाद में केस फाइनल होने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाते में चली जाती है। मुझे बताया गया कि यहाँ तो पूरी परंपरा ही रही है इसकी, क्योंकि कई साथी होंगे और इनके जो मोबाइल नंबर मिले हैं अभी हम उनसे ट्रेस करेंगे तो हमें पीछे की चेन और आगे की चेन दोनों ही पता चल जाएगी। तो जैसा भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में होगा वो फिर हम आपको समय समय पर अवगत करा देंगे। एक तो जितने भी मार्ग हैं जहाँ से ये निकल रहा है उनका हम पुलिस फोर्स के साथ में मिलकर एक अभियान के रूप में चेकिंग का कार्य हम चलाएंगे। दूसरी बात जो हमें यहाँ जो वेटलैंड्स हैं हमारे, जहाँ संभावना ज़्यादा इन कछुओं की है मिलने की, वहाँ उनको हमने चिन्हित कर लिया है और वहाँ भी लोकल अपने जो स्थानीय लोग हैं उनको जागरूक करके हमारे अपना जो स्टाफ है उनको वहाँ लगाया जा रहा है जहाँ इस तरह की एक्टिविटी हो रही है और संभावित नाम आ रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और जल्दी ही जहाँ ये इस तरह का चीज़ें हो रही है रख रहे हैं उसकी हमने जानकारी कर रहे हैं और उसको बिल्कुल एक प्लानिंग करके पकड़ा जाएगा जो लोग हैं इसमें। और ऐसा भी चिन्हित कर रहे हैं कि जो लोग कई बार वन अपराध इस तरह का कर चुके ये वन्य जीव का, उनको अलग से भी देखा जा रहा है कि वो कितने बार अपराध करती है और उसको हम भेज रहे हैं ऊपर भी, जिनके जो सख्ती से कार्रवाई हो सके वाइल्ड लाइफ एक्ट के अलावा भी वो उसमें एक्ट में। देखिए मुझे अभी तो जो संभावित है मेरे क्षेत्र में 10-20 लोग हैं जो
अभी मेरे उसमें आए हैं और हम उनको बिल्कुल दबिश दे के, हम दबिश भी दे रहे हैं लगातार और आगे भी हमारा ये रहेगा। कुछ हमें सूचनाएं मिल रही हैं, एक दो दिन में हो सकता है कुछ और अच्छे रिजल्ट्स आए इसमें, क्योंकि जो मुझे सूचनाएं हैं हम अपने पूरे स्टाफ को लगा भी दिया है जगह जगह, और हम जहाँ से ये पकड़ रहे हैं या वो है उसको भी हम चिन्हित करके इसको देख रहे हैं, इस पर कार्रवाई होगी। इसमें सभी का, पुलिस का, राजस्व का, सभी का सहयोग लेके, क्योंकि बिना ये किए मैं समझता हूँ कि यहाँ इटावा में, मैनपुरी में, औरैया में ये जो क्षेत्र है, कछुआ पकड़ने का ये आदतन ये अपराध कर रहे हैं और एक सामाजिक बुराई टाइप की है, तो उसको दूर करने के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता है। उसको उस पर हम ये कर भी रहे हैं कि इसको ये आदत को छोड़े भी, बहुत हत्या कर रहे हैं ये वन्य जीवों की, और उस तरह का भी प्रयास रहेगा कि वो इस गलत काम को छोड़े भी। सर क्या कीमत रही होगी? ये गाड़ी पकड़ी गई है इसमें, मतलब उसको जब्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए मैं उसको, DFO को पावर है उसको अधिहरण करने की, वो कार्रवाई भी मैं करूँगा। भी जो अधिकारी हैं, जो गाड़ी पकड़ी गई है उसको उसको जब्त किया है, अधिहरण किया है, इसको भी मैं करूँगा। क्या कीमत रही होगी पकड़े हुए? कल तो यहाँ 50 रुपया किलो इनसे ले लेते हैं, लेकिन जो बाहर जो जा रहा है, जो इनसे पकड़वा रहा है ये है, तो वहाँ निश्चित रूप से जैसे कलकत्ता है और वह है, ये सुना जा रहा है 50 रुपया किलो, नहीं 400 रुपया किलो वहाँ ले लेते हैं, और ये है बाहर, तो खैर विदेश में जैसे ASP साहब ने कहा है तो उसका है ही कीमत अभी।